हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही छोटे प्लॉट साइज प्लान के बारे में, जिसका साइज 12.5 फिट बाई 36 फिट है। डियर फ्रेंड्स, इस प्लॉट को हमने 1 BHK विद कार पार्किंग प्लान किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के वन साइड रोड है, 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टियां हैं। आउटर वॉल को हमने 4.5 इंच में लिया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, यहां से हमारी एंट्री है। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो हमने पार्किंग स्पेस और स्टेयरकेस दिया है। यहां से हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और ये हमारा स्टेयरकेस ऐसे जाएगा, वापस ऐसे घूम जाएगा और यहाँ हमारी कार पार्क हो जाएगी। 11 फीट 9 इंच बाई 13 फीट 8 इंच का ये हमारा स्पेस रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो यहाँ हमने एक गेट दे रखा है और फिर यहाँ ये हमने किचन प्लान किया हुआ है। 8 फीट बाई 5 फीट का ये हमारा किचन रहेगा। किचन में ये प्लेटफॉर्म रहेगा, इधर गैस स्टोव, इधर सिंक और ये हमारा विंडो रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये हमारा बेडरूम है, 11 फीट 9 इंच बाई 9 फीट का, जिसमें ये बेड रहेगा, ये टीवी यूनिट, ये अलमीरा रहेगा और यहाँ ये ओपन स्पेस हमने दिया है 4 फिट 5 इंच बाई 3 फिट 10 इंच का। और यहाँ से हमने एंट्री दे रखी है टॉयलेट में जाने के लिए। ये हमारा टॉयलेट रहेगा 7 फिट बाई 3 फिट 10 इंच का। यहाँ ये टॉयलेट सीट, ये शावर और ये इस कॉर्नर में आपका वॉश बेसिन लग जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, 12.5 फिट बाई 36 फिट को हमने बहुत ही शानदार कार पार्किंग के साथ प्लान किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये नक्शा अच्छा लगा होगा। फर्स्ट फ्लोर की बात करें इसके, तो आप यहाँ कार पार्किंग के ऊपर एक रूम और बन जाएगा आपका और उसके लिए लेटरिंग बाथरूम या छज्जे पर बना सकते हैं। तो दोनों ही मैंने इसमें आपके लिए समझा दिए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये प्लान अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, नक्शा बनवाने के लिए हमें ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया और सभी का नक्शा बनाया। उम्मीद करता हूँ आपका भी नक्शा हम अच्छा बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।